गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसान आसान सी रिएक्शन है। आज सभी रिएक्शन को कम्प्लीट कर डालते हैं। पहली रिएक्शन बेटा क्या है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ बेटा, और इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी भी मेटल के साथ करता हूँ, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो बेटा आपका सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? सॉल्ट। आपको पता है जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो आपको पता है क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट बनेगा, प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस प्लस आपकी पता है आपको बाहर निकलेगी। यहाँ पर बेटा आपका क्या बन जाएगा? CH3COOH एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो मेटल के साथ थी। साथ ही बेटा अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करता हूँ, एल्कली के साथ करता हूँ, तो ये आप लोगों के पास कुछ बेस हैं, आपको पता है ये आपके पास बेस की ही काम करेंगे, और NaHCO3 और दूसरा एक NH4OH, ये सब बेस और एल्कली है, तो इनकी रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा? ये एसिड है और ये सब बेस है तो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट प्लस वाटर, इसका बेटा क्या बन जाएगा? CH3COONa+H2O। बोलो यही प्रोडक्ट बनेगा, एसिटिक सोडियम एसिटेट प्लस H2O। इसका क्या बन जाएगा बेटा? CH3COONa+CO2+H2O। इसका भी क्या बन जाएगा? CH3COONa+CO2+H2O। बोले रिएक्शन आप लोग पढ़ के आ चुके हो, इनमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। इसमें अमोनियम साल्ट बन जाएगा क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस H2O। क्लियर आप लोगों को? तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो बेस के साथ हम लोगों ने डिस्कस की हैं। क्लियर आप लोगों को? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन विद, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रिएक्शन मैं दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ कराता हूँ, तो बेटा ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरे पास बेटा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन करवाता हूँ, तो बेटा आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो बेटा इनके बीच में से यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा बताओ? एसिटिक अनहाइड्राइड। दिस इज नोन एज एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। आपका अगर एसिटिक एसिड या आपका कोई एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर वो आप लोगों का किसी भी सिंपल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से HCl मॉलिक्यूल सीक्रेट होगा, बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट आप लोगों का दोबारा से वही क्या बन जाएगा? एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एसिटिक अनहाइड्राइड बन जाएगा। समझ में आई आप लोगों को? तो ये बेटा एक छोटी सी रिएक्शन थी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिटिक अनहाइड्राइड्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास जो टॉपिक है उसके अंदर बेटा आप लोग अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हो बेटा? अल्कोहल के साथ करते हो, तो अल्कोहल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो बेटा ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि सर हाइड्रोजन तो अल्कोहल का और OH कार्बोक्सिलिक का और वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा और आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा? एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एस्टर की। रिएक्शन लिख लेता हूँ CH3COOH रिएक्शन विद HOCH3। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? CH3COOCH3। एस्टर की फॉर्मेशन आप लोगों की हो जाएगी। क्लियर आप लोगों को? तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, एस्टर की फॉर्मेशन आप लोगों की होती है। क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ। बेटा आप लोगों का जो एस्टर बनता है वो कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देख लेते हैं। आखिर मैकेनिज्म कैसे होता है बेटा? मान लो मेरे पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से समझ लेना बेटा, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं एसिडिक मीडियम में करता हूँ तो फर्स्ट लीड अटैक ऑन दी ओ, तो क्या बनेगा? RC OH पॉजिटिव, और OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस, बात नहीं बनेगी सर, समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो OH कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है, वो इसके ऊपर क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो क्या बनेगा? RC OH OH, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OR और H, और न्यूट्रल स्पीसीज का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से बाहर कौन निकलेगा बेटा? H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOHOH, और ये क्या बन जाएगा बेटा? OR बन जाएगा। यहाँ से माइनस H पॉजिटिव बाहर निकल गया, एक कार्बन के ऊपर दो OH ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं गया, तो ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस को आप लोगों का क्या बन जाएगा? दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द टाइप ऑफ एस्टर। ये किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा? आपके एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? तो ये छोटी सी रिएक्शन है। दूसरा बेटा आप लोग जब कभी भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हो अल्कोहल के साथ, अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हो किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो आपका जो आर है ना ये जितना स्मॉलर रहेगा उतना ही रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ HCOOH CH3COOH
उसके बाद CH3 ट्वाइस CH COOH और एक थ्राइस COOH। इनमें से बताओ सबसे ज़्यादा, तो सर जो सबसे छोटा ग्रुप है, जो सबसे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वाला है, वो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अल्कोहल का भी ऐसा ही है, जितना छोटा OH ग्रुप होगा, फंक्शनल कंटेनिंग ग्रुप होगा हमारा, उतनी ही फास्ट बेटा एस्टरीफिकेशन होगा, एस्टरीफिकेशन। और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलेंगे पता है ना तुम लोगों को, पढ़ के आओ छोटी क्लास में बेटा, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे बताओ बेटा? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये आप लोगों के पास रिएक्शन हो गई है, तो इसमें ये सबसे छोटा होगा तो इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। क्लियर आप लोगों को? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी कि सर आर ग्रुप जितना छोटा होगा उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। आप लोग कर सकते हो रिएक्शन। अगर आप लोगों के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी रिएक्शन आप लोग किस किस के साथ कर सकते हो बेटा बताओ? आप लोग SO2Cl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, नॉट SO2, SOCl2 के साथ। नेक्स्ट आप लोग इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कर सकते हो, आप इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कर सकते हो, आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कर सकते हो। तो आपको पता है सर यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOCl+ में HCl प्लस SO2 गैस, यहाँ पर क्या बन जाएगा RCOCl+ में POCl3+HCl, यहाँ पर क्या बन जाएगा RCOCl+ में H3PO3, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा RCONH2+ आपका H2। क्लियर आप लोगों को? तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगी। आप लोगों की रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या बना ले, RC OH है, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करता हूँ, S OCl, एक तो RCOCl बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ से कौन सी गैस चली जाएगी CO2। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह PCl5 ले लेता तो क्या बन जाता, PCl, इसके तीन Cl है बेटा, PCl5 सर, RCOCl, HCl, ये क्या बच गया बेटा बताओ, POCl3 बच गया। क्लियर आप लोग? इन प्रकार से आप लोग रिएक्शंस को कर सकते हो, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इन रिएक्शंस का, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है आप लोगों के रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों के पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, और आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बताओ? प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? CONH2, तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप लोगों के पास थैलिक एसिड है, दिस इज थैलिक एसिड, अगर आप इस थैलिक एसिड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करते हो तो क्या बनेगा बेटा? CONH2 और CONH2। फर्दर आप अगर इसको हीट करते हो तो यहाँ से बेटा एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपका थैलीइमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? थैलीइमाइड, दिस इज थैलीइमाइड। क्लियर आप लोगों को? ये थैलीइमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। बोलो समझ में आए सभी को? तो ये आपके पास छोटी छोटी बातें थी। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो रिडक्शन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो यहाँ तक ही आप लोगों को काम करना है। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।